नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग जगहों पर फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में। क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला नोटिफिकेशन है दादर एंड नागर हवेली डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस आयुष सेक्शन से। इसका नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर 2023 को आया था और ये सिलवासा का नोटिफिकेशन है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 6 नवंबर 2023 रहने वाला है, यानी आज से आपके पास 3 दिन है। अब हम बात करेंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये मेनली आपका आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए है। यहाँ नंबर 7 पर आप देख सकते हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ 30 ईयर्स यानी 30 साल रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर इन फार्मेसी जिसके पास है इन आयुर्वेदा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। सैलरी यहाँ 20,000 रुपए पर मंथ रखा गया है। जो भी एलिजिबल और डिजायरस कैंडिडेट हैं वो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, अपना सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेल्फ अटेस्टेड करना है और पोस्ट करना है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एंड मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस दादर एंड नागर हवेली सिलवासा। पिन कोड है 396230। इसमें कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। तो एक पोस्ट है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए और ये है आपका दादर एंड नागर हवेली में। दूसरा इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि एक और पोस्ट है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, तो इसमें भी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का एक पोस्ट है। ये आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये जो पोस्ट है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन लिया जाएगा। बात करेंगे हम फार्मासिस्ट पोस्ट की तो सीरियल नंबर 2 पर है। नंबर ऑफ पोस्ट जो एक है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब रहने वाला है। आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो वेलनेस सेंटर एट आरोग्या वैन एकता नगर केवाड़िया फॉरेस्ट डिवीजन। तो यहाँ पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बी फार्मा इन आयुर्वेदा को रखा गया है। बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट जो भी आयुर्वेदा के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मिनिमम 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 35 ईयर्स का एज लिमिट है। 30,000 रुपये पर मंथ का सैलरी रहने वाला है। तो आपके पास ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए। अब बात करेंगे कि इसके लिए कैसा रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू 17 नवंबर 2023 को लिया जाएगा 11 बजे सुबह में। इसका टाइम है 17 नवंबर 2023, इसको नोट कर ले। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा एकेडमिक ब्लॉक ऑफ AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के एकेडमिक ब्लॉक में ही इसका आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। आप अपना सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेटर का फोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल भी ले जाएं वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें दोस्तों, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो जरूर फिल कर लें और ये फिल करके 17 नवंबर 2023 को आप जा सकते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, ये जो दादर और नागर हवेली में जो वैकेंसी आया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी है इसी वीडियोस में आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना फोटो अप्लाई करना है, नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, देन आपको सारा डॉक्यूमेंट जितने भी ऐसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हैं 10, 12 ग्रेजुएशन यानी बैचलर इन फार्मेसी इन आयुर्वेदा वर्क एक्सपीरियंस, इन सबको फिल करके पोस्ट करना है और पोस्ट करने के साथ ही आपको ये जो लास्ट डेट है पोस्ट का ये भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो इसी तरह के वीडियोस अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े हैं।